आईटी सेक्टर को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये क्या कर रहा है, बॉटमिंग आउट हो रहा है या अभी भी डाउनसाइड का रिस्क बचा हुआ है, तो वहाँ पर आपका नज़रिया क्या बन रहा है? नहीं, हमें लगता है आई थिंक जो एक अंडर परफॉर्मेंस है वो शायद बरकरार रहे। वैल्यूएशंस डेफिनेटली अट्रैक्टिव हो गए हैं, बट अभी भी आई थिंक स्टैंडर्ड डिविएशंस को आप कंपेयर करें पिछले 5 या 10 वर्षों में, तो उन दैट केसेस आई थिंक वो अभी भी थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे है। दूसरा आई थिंक जैसे मैं कह रहा था, जो इसका हेडविंड है चौथे तिमाही में, क्या बिकॉज ऑफ रिसेशनरी फियर्स ऑर्डर फ्लोज कम होते जाएंगे, इनके एक्सपेंसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, अट्रीशन थोड़ी काबू में आई है बट अभी भी थोड़ी एलिवेटेड लेवल पे है, आउटसोर्सिंग के खर्चे बढ़ चुके हैं, और इसके वजह से मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस जो आईटी सेक्टर का है वो बरकरार रह सकता है। यूएस के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि यूएस की कंपनीज प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज है, हमारी कंपनीज आउटसोर्सिंग वाली कंपनीज है। तो आई थिंक नैसडैक को ना देखे व्हेन यू आर लुकिंग एट आर आई टी कंपनीज विल प्रॉबली फेस लेसर इश्यूज, क्योंकि जितने भी आई थिंक मैनेजमेंट कॉमेंट्रीज हमने सुने हैं ये साफ दर्शाते हैं कि अनलेस देर इज अ ह्यूज डीप रिसेशन, जितनी कैपिटल स्पेंडिंग होने वाली है आईटी बजटिंग को लेके वो कम हो सकती है, बट बहुत कम है। तो आई थिंक ऑर्डर फ्लोस कम होंगे, थोड़े वैल्यूएशंस की डी रेटिंग हो सकती है, ऑल दी सिचुएशंस हैपन, और ये मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है थोड़ी आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस और 1 से 2 तिमाही तक आईटी सेक्टर में जारी रह सकती है।